हाँ, किसका दिल जीतना है जिसने आपका दिल जीत लिया है। तड़ाक, मां ने गुस्से से एक तमाचा लगा दिया। इतनी बदतमीजी, ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। आप भी तो ऐसी नहीं थीं, कहकर धैर्य ने आंसू पोंछ लिए और अपना दर्द अपने अंदर समेट चुपचाप जाकर सो गया। एडजस्ट करना सीखो धैर्य। कितना मां, कितना एडजस्ट करूं, कब तक? आप नहीं जानती आपके पीछे, कह चुप्पी साध ली। तुम्हें समझना होगा धैर्य। कब तक? कब तक सब मुझे ही समझना होगा? क्या मुझे कोई कभी नहीं समझेगा? नया माहौल है, तुम बाहर से आए हो, अपनी जगह बनानी पड़ती है। तुम अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत पाओगे। हाँ हाँ, किसका दिल जीतना है जिसने आपका दिल जीत लिया है? तड़क, माँ ने गुस्से से एक तमाचा लगा दिया। इतनी बदतमीजी, ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। आप भी तो ऐसी नहीं थीं, कहकर धैर्य ने आंसू पोंछ लिए और अपना दर्द अपने अंदर समेट चुपचाप जाकर सो गया। माँ के दिल में कसक सी रह गई। बहुत देर तक उसके पास बैठी सिर पर हाथ फेरती रही। क्या हो गया रे आजकल तुझे, क्यों ऐसी बातें करने लगा है? माफ कर दे, पता नहीं ये हाथ कैसे तुझ पर। तू भी तो कभी ऐसा नहीं था, हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहा है, तो आज क्या हुआ? उसे लाड लड़ाती न जाने कब नींद के आगोश में चली गई। धैर्य, चलो बेटा स्कूल, जैसे ही पिता ने आवाज लगाई वो बिना किसी भाव के उनके पीछे चल दिया। स्कूल जाने और वापस घर आने में उसका एक अलग ही व्यवहार नजर आता। माँ ने कई बार कोशिश की पिता और बेटे में नजदीकियां बढ़ें, लेकिन दोनों की तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। किससे शिकवा करे, अंत में धैर्य के व्यवहार से हर बार परेशान हो जाती। शाम को बच्चे को पढ़ा रही थी कि अचानक किसी मेहमान का आना हुआ। बहू, बुआ सास आई हैं, आओ तुम्हें मिलवा दें। धैर्य को घुटन भरे कमरे से निकलने का मौका मिला। पापा, मैं खेलने जाऊं? नहीं, जब तक मेहमान हैं कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, चुपचाप बैठकर पढ़ते रहो। लगभग 4 घंटे बाद जब मेहमान गए तो माँ के गुस्से का बांध फूट पड़ा। कितनी बार तुझे बाहर आने के लिए आवाज दी, आया क्यों नहीं? इतनी बदतमीजी, क्या हो गया है तुझे? आखिर चाहता क्या है? कितना और किस भाषा में समझाऊं? इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, उन्हें समेट ले। धैर्य जोर से हंसा। रिश्ते? हाँ हाँ हाँ, किसे मिले हैं माँ? तुम्हें? तुम यहां की बहू हो, तुम्हें सास ससुर पति रिश्तेदार सब मिले हैं, और मुझे? आपके सामने ये मेरे पापा हैं, और जब आप नहीं? चुप, बिल्कुल चुप हो जा। मैं तो एक माध्यम था आप तक पहुंचने का, अब मेरा क्या काम? यहां किसने मुझे दिल से स्वीकारा होगा? क्या आप कभी समझ पाएं? नहीं, समझेंगी भी कैसे? आप तो इन्हें समझने में लगी रहती हो, मेरा क्या होगा? मेरी तो माँ भी खो गई, कह जोर जोर से रोने लगा। माँ स्तब्ध थी, अपने इस कदम पर अफसोस करे कि क्या सच में वो सबकी चाहत पूरी करने में इस कदर व्यस्त हो गई कि कभी ये सोचा ही नहीं कि जिस बच्चे की खुशी उसके भविष्य का सोचकर दूसरा विवाह कर रही है, सही मायनों में आज वो कितना खुश है। धैर्य ने माँ को रोता देखा तो भागकर चिपट गया और आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे रिश्तों को अपनाने की। वो उठकर गया तो पास रखी कॉपी में 4 पंक्तियां लिखी थीं। तोला, जब मैंने तराजू में किस्मत को, माँ तेरा पलडिढ़ा जल्दी झुक गया। क्या कभी तूने सोचा ये किस्मत का मारा पहले से भी अधिक हल्का क्यों हो गया? असहाय माँ, बस मन ही मन यही सोच पाई, जीवन एक बार मिलता है और हम भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। क्यों हम नहीं समझ पाते कि किसी के असामान्य व्यवहार के पीछे कई वजह हो सकती है? अकेला रह जाने पर पुनः विवाह का फैसला शायद उचित था, लेकिन यदि बच्चे की वजह से मैंने ये फैसला लिया तो वो कितना खुश है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, इसका ध्यान रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। सच ही तो कह रहा था, घर की बहू के साथ कई रिश्ते स्वतः ही जुड़ जाते हैं। जोड़ना है उस बच्चे को जिसके लिए सब अनजान है। आंसू पोंछ मन ही मन संकल्प लिया, अपने बच्चे के प्रति सारे फर्ज निभाऊंगी, उसके मन को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और से अपेक्षा कैसी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।